है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हम आए हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर में ये पीछे दिख रहा है आपको, ये सारा कुसमी जंगल है और हम यहीं पे रुके हुए हैं। और ये पीछे जा रहा है ये रोड, और ये पीछे कुसमी जंगल है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल है। ये गोरखपुर का सबसे भारी जंगल है कुसमी जंगल। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं अपने मेडिकल के लिए, क्योंकि जो जॉब मिला है दुबई का, वहाँ जाना है तो वहाँ के लिए मेडिकल लगेगा, तो वही मेडिकल के लिए अभी हम आए हुए हैं। तो सोचा कि यहीं पे रुक के कुसमी जंगल थोड़ा दिखा दे आप सबको, तो अभी चलते हैं वहीं पे। तो भाई अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सीधे गोरखनाथ मंदिर के पास, वहाँ पे ऑफिस है, वहीं गोरखनाथ मंदिर के पास बगल में कहीं ऑफिस है, तो वहीं जाएंगे और फिर वहाँ से थोड़ा गोरखनाथ मंदिर घूमना है तो घूमेंगे, फिर दिखाएंगे आपको जो कुछ भी है। और भाई ये है रामगढ़ ताल जो बहुत बड़ा है, इधर से उधर तक पूरा छोर दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा है ये गोरखपुर रामगढ़ ताल। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर के पास, और ये पीछे पार्किंग स्टैंड है जहां हमने गाड़ी पार्क कर ली है, और अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, मेन मंदिर में। तो गाइस अभी आ गए हैं अंदर, और ये रहा मेन गेट, वहीं से अंदर आए हैं, और ये पीछे मंदिर है, चलते हैं आपको तो दिखाते हैं वहां पे। ये है हमारा मेन मंदिर, ये कुछ इस तरह का, और ये मंदिर उसके साइड का है, इस साइड का, ये सारा मंदिर साइड व्यू है, आप देख सकते हैं ये पूरा साइड व्यू। और वहाँ पे सामने वहाँ पे पूरा चप्पल जूता रखने के लिए वो बनाया गया है। तो गाइस ये रहा पीछे मेन मंदिर, और उसके साइड का व्यू है, ये देख सकते हैं आप लोग, और ये भी उसके दूसरे साइड का व्यू है, और मेन मंदिर के एकदम ठीक सामने आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पार्क बना हुआ है पीछे, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ा पार्क है, पूरा पीछे तक बना हुआ है। आइए चलते हैं फिर मंदिर में घूमते हैं, फिर घूम के दिखाते हैं आपको। तो भाई अभी मंदिर घूम के आ गए पूरा, और जस्ट मंदिर के घूम के बाहर निकले तो बारिश आ गई काफ़ी तेज़ से, आप देख सकते हैं पीछे, पता नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें आपको बैक कैमरे दिखाते हैं। बारिश आ रही है काफ़ी ज़ोर से, बारिश आ रही है। तो भाई आए हैं, अभी हम आए हुए हैं एक मंदिर में, अंदर घुसे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारा साधु महात्मा जी का लगा हुआ है मूर्ति, आप पीछे देख सकते हैं, सभी संतों जी का, महात्मा जी का, सभी लोगों का लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। टेम्पल साइड व्यू, तो गाइज यहाँ पे पीछे वोटिंग करने के लिए सुविधा बनाई गई है, और ये देखने में तो काफ़ी छोटा है, इससे बड़ा तो नौका बिहार में है। तो अभी तो फिलहाल हम वोटिंग नहीं कर रहे क्योंकि बारिश आ रहा है, तो बारिश में वोटिंग करना मज़ा भी आएगा, बट अभी नहीं, कहीं जाना है, ज़रूरी काम है। तो भाई यहाँ का सबसे शानदार नाइट व्यू आता है, क्योंकि वहाँ पे बीच में देख सकते हैं, बीच में बना है नाइट शो करने वाला, तो नाइट शो होता है तो काफ़ी मज़ा आता है देखने में। तो कभी कमेंट करिएगा आप लोग, बताइएगा तो नाइट शो का जो भी है कर दिखाएंगे आपको, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगता है, औसम शानदार लगता है। तो भाई बहुत ही शानदार व्यू है, औसम व्यू है, क्योंकि सामने गेट है और गेट के जस्ट बगल में ये पार्क बना है, और पार्क के दोनों साइड में सड़क है, और सड़क के सीधे, पार्क के सीधे सामने मंदिर है। भाई देख के तो मज़ा आ गया, बहुत ही औसम व्यू है।
फाइनली पहुँच चुके हैं मेडिकल सेंटर पे। मेडिकल सेंटर ये है पीछे और जा रहे हैं अभी मेडिकल कराएंगे, फिर उसके बाद से निकलना है घर। तो अभी आए हैं मंदिर घूम के, फिर वापस वापस से फिर यहाँ आए और यहाँ से अभी घर निकलेंगे। तो मंदिर घूमे काफ़ी अच्छा लगा, जो हमारे अभी CM है श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने काफ़ी तरक्की की है और मंदिर को बहुत ही अच्छे से बनवाया है। बहुत ही बढ़िया लगा देख के, घूम के मज़ा आ गया। तो गाइस फाइनली घर पे आ गए हैं और काफ़ी यार क्या बताएं, काफ़ी थक गए हैं साला, बहुत दिक्कत हुआ, पूरा कमर दर्द कर रहा है। तो भाई गोरखपुर घूम के अच्छा लगा, आप भी बताइए कैसा लगा, कमेंट करिए बताइए हमें। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक, और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।